मौत के मांझे का कहर, बाइक सवार युवक की नाक कटी। राजधानी दिल्ली में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर पुस्ता पर एक बार फिर एक युवक मांझे की चपेट में आने से युवक की नाक कट गई। चाइनीज मांझे से नाक कट गई। लहूलुहान हालत में पीड़ित युवक जुनेद को शास्त्री पार्क के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका भी इलाज किया जा रहा है। युवक की नाक पर 6 टाके लगाए गए हैं। पीड़ित युवक अपने काम से बाइक पर न्यू उस्मानपुर पुस्ता रोड से गुजर रहा था, तभी अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उसकी नाक कट गई। ये आपके नाक पे चोट लगी, कैसे लगी है कुछ जानकारी थोड़ी सी? ये रास्ते में आ रहा था, मैं हेलमेट लगा रखा था, थोड़ा सा तेज आ रहा था जी, शीशा जो हेलमेट का थोड़ा सा फुला हुआ था, गाड़ी थोड़ी स्पीड पे थी तो दिखाई नहीं मन जा, जैसे शीशा नीचे वाला मन जा एकदम घुस गया। तो ये मांझे से कटा है इतना? जी ये मांझे से कटा, ब्लास्टिंग मांझे। अपना बता देना। सर मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। थोड़ा तेज बताइएगा। मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा। यूसुफ जी, ये आपके बच्चे को लेके आए आए अपने हॉस्पिटल, क्या हुआ इनके साथ? सर ये रास्ते में अपने काम पे जा रहा था और रास्ते में मांझा जो है डोर कट के पतंग की वो इसके नाक पे लगी है, कहीं गर्दन भी कट सकती थी। इस चीज़ पे प्रतिबंध लगना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इंसानियत को देखना चाहिए। अच्छा ये जो कितने टांके इनके आए हैं? 6 टांके आए हैं जी सर इनके। अच्छा मांझा कैसा था वो कुछ? सर ये चाइना का मांझा था, चाइना वाला। तो चाइना वाला मांझा टूटता भी नहीं है, इसको ज़बरदस्ती हटाया गया। और लोगों की भी कई होगी कटी है, किसी का हाथ कटा है, किसी की नाक कटी है, किसी का कुछ कटा है। अच्छा कई लोगों की जान जा चुकी है, आज आपका बच्चा बचा अगर गर्दन कट जाती है तो जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसको सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए इस चीज़ पर, मांझे पे डोर पे पतंग पे इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। अच्छा ऐसे लोगों को रोकना चाहिए बिल्कुल। हुआ कहाँ ये हादसा सर? सर ये हुआ ये शास्त्री पार्क ने पेट्रोल पंप के पास आगे। वो पंडित थी वो छोड़ कर गए थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।